आज दफ्तर में काम करते हुए एक साहब का मोबाइल चोरी हो गया। दिन भर की मसरूफियत के बाद थके हारे साहब बहादुर ने जो ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो अगला मंजर देखकर चौंके बिना ना रह सके। घर में सास और ससुर अपनी बेटी का सामान पैक किए उनके मुंतजिर थे। बेगम और सास की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि इनके घर दाखिल होने पर ससुर के माथे पर नफरत की लकीरें भी आया होने लगी। तो मैंने कहा, अरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी बीवी को, खैरियत तो है? उन्होंने कुछ न समझने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया तो ससुर साहब ने आगे बढ़कर इनकी बीवी का मोबाइल उनके सामने रख दिया। मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। बीवी को इनके नंबर से मैसेज आया था। मैसेज देखकर साहब ने एक ठंडी आह भरी और बताया कि इनका मोबाइल तो सुबह से चोरी हो गया था। इन्होंने अपनी जेबें उलट करके सबको यकीन दिलाया तो इन साहब की बेगम अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और ससुर साहब ने अपनी टांगे बैठे बैठे दराज कर ली। लेकिन चोर ने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों किया? उलझन के मारे इन्होंने अपना नंबर डायल किया तो आगे से चोर ने फोन उठाया। जैसे ही चोर ने कॉल अटेंड की तो मियाँ साहब उस चोर पर टूट पड़े और कहा, कमीने इंसान, फोन चुराया सो चुराया, मेरी बीवी को तलाक देने का हक तुम्हें किसने दिया? चोर ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहने लगा, देखिए साहब, सुबह जब से आपका फोन चुराया है मुझे आपकी बीवी के 36 मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर किस वक्त आना है, आते हुए ये ले आना, और हाँ ये भी, जल्दी जल्दी आना, देखो फलां चीज़ भी ख़त्म हो गई है। मैं तुम्हारी बीवी के मैसेजेस देख देख कर पागल हो चुका था, तभी मैंने तंग आते हुए 3 तलाकें इकट्ठी भेज दी और तब जाकर मेरी रूह को सुकून आया। और शुक्र है मेरी अल्लाह अल्लाह करके जान छूट गई। मेरा दिल तो करता है तुम्हें किस तोपों की सलामी दूँ, तुमने चुड़ैल जैसी जो बीवी पाल रखी है।